बच्चों आज मैं आपके सामने क्लास नाइन्थ पढ़ाने जा रहा हूँ और आज हम पढ़ेंगे आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है ना, जो आपका पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, आज उसके बारे में हम क्या करने पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हम अपने आसपास अनेक प्रकार की चीजें हम देखते हैं। ठीक है ना, अनेक प्रकार की चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, हमें देखने को मिलती है। हमारे पास टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, हमारे घरों में रखा सामान है, या अगर हम अपने बाहर घरों से बाहर निकले वो भी सामान है। तो काफी चीजें, जो काफी वस्तुएं हैं, वो हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना। काफी चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो इन चीजों को हमने क्या नाम दिया, पदार्थ। ठीक है ना, यानी मैटर। देखिए मैटर क्या होता है कि ये सारी की सारी चीज जो अपने आसपास देख रहे हैं, अपने आसपास इनका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ इनका द्रव्यमान है, और ये क्या करती है, कुछ जगह भी घेरती है, यानी ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। कोई भी ये वस्तु आप देख लीजिए, खुद आप अपना एक उदाहरण ले लीजिए, अपना उदाहरण लीजिए, आपका कुछ अपना द्रव्यमान है, मास है, अगर आप कहीं पे खड़े हैं कुछ जगह घेरते, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, आप कहीं पे बैठते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, या आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, आप अगर एक किताब ले लीजिए उसको टेबल पे रखी है तो उसका अपना मास है, वो कोई वस्तु, वो क्या कर रही है, कोई जगह घेर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, यानी उस वस्तु का द्रव्यमान है और वो वस्तु क्या करती है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, यानी वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई, उसके पास वॉल्यूम भी है ना। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी वस्तु कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसका आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। और इसी के बारे में आज हम समझेंगे, जानेंगे कि पदार्थ होते ही हैं, किस तरीके से पदार्थ है। तो उसी को समझने के लिए आइए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ है ना, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है ना, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। और जो प्राचीन काल से ही क्या होते थे, जो मनुष्य है अपने आसपास के जो चीजें हैं उनको क्या करते थे, अपने उनको समझने का प्रयास करते थे। तो भारत के जो दार्शनिक थे, जो भारत के उस टाइम के जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। ठीक है ना, दे क्लासिफाइड मैटर इनटू फाइव एलिमेंट्स, पांच एलिमेंट्स में उन्होंने क्या किया, भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। वर्गीकृत किया यानी उनका क्लासिफिकेशन किया। तो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, फिगर में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जबकि एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे, पांच बेसिक एलिमेंट, ये जो पांच बेसिक एलिमेंट है क्या क्या है, आपके पास एयर है, वायु, अर्थ है, पृथ्वी, या आपके पास क्या है, फायर है, अग्नि, स्काई है, आकाश, और आपके पास क्या है, वाटर है, जल। तो इन्होंने, भारत के जो दार्शनिक है ना, इन्होंने पदार्थ को यानी मैटर को पांच मूल तत्वों में क्या किया था, वर्गीकृत किया था, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना, इन मूल तत्वों में क्या किया, वर्गीकृत किया, बोला कि इनके अनुसार ये इन्हीं पांच तत्वों से सारी की सारी वस्तुएं क्या है, बनी हुई है। इनके अनुसार इन्हीं पांच तत्वों से जो भी हमारे जीवन में जो भी जिन भी चीजों का निर्माण है, इन्हीं पांच तत्वों से मिलके बने, चाहे वो सजीव हो यानी लिविंग हो, या फिर आपके पास क्या हो, निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो। उस समय के जो यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। जो आपके यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने भी क्या किया था, पदार्थ को इसी तरीके से क्लासिफाई किया था। ठीक है ना, लेकिन आपके जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पे दो प्रकार में वर्गीकृत किया, लेकिन जो आपके मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला नहीं, जो मैटर है वो उन्होंने इनकी बात मानी कि हाँ जो मैटर है पांच बेसिक एलिमेंट से तो मिलके बने हैं, लेकिन उन्होंने मैटर को क्या किया, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और जो उनकी रासायनिक नेचर है, मतलब केमिकल नेचर के आधार पे दो दो पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। दो पार्ट्स में क्या किया था, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था।
तो आपके सिलेबस में जो आपकी क्लास 9th है उसमें हमें सिर्फ उनका जो भौतिक स्वरूप है यानी उनका जो जो फिजिकल नेचर है, पदार्थ का जो फिजिकल नेचर है, फिजिकल नेचर के बारे में हमें पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, हमें किसके बारे में पढ़ना है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, कि जो मैटर है उनका फिजिकल नेचर क्या है, मैटर का फिजिकल नेचर है क्या। ठीक है ना, तो हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है उसमें सबसे पहली चीज आती है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है। जो पहली चीज है, पहली चीज क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना है, यानी जो आपके पास मैटर है इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, जो कण से मिलके बने हुए है ना। जो आपके पास जो मैटर है वो किससे मिलके बने हुए? कण से मिलके बने हुए, छोटे छोटे कण से मिलके बने हुए। देखिए कण से कैसे मिलके बने हुए, हम क्या करते हैं, एक एक हमने क्या किया, एक एक्टिविटी करी। उस एक्टिविटी में हमने क्या किया हुआ, उस एक्टिविटी में हमने एक वाटर लिया हुआ, वाटर एक बीकर में हमने वाटर लिया और उसमें हमने क्या किया, एसिड सॉल्ट मिलाया। उसमें हमने क्या किया, एसिड सॉल्ट मिलाया। वाटर में हमने क्या किया है, वाटर में हमने एसिड सॉल्ट मिलके वाटर में हमने एसिड सॉल्ट मिलाया हुआ है। ठीक है ना, तो आप देखते हैं जब आप वाटर में एसिड सॉल्ट मिलाएंगे तो वाटर एसिड सॉल्ट मिलाने पे थोड़ी देर आप उसको क्या कीजिए, स्टिर करिए। आप किसी ग्लास रॉड के मदद से उसको थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे, स्टिर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो एसिड सॉल्ट है वो पूरा का पूरा उसमें मिल जाएगा, यानी जो सॉल्ट है पूरा का पूरा उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले दो बातें सामने आई हमारे पास, इससे पहले हमारे सामने क्या, दो बातें हमारे सामने आई, हमारे पास आई कि जो पदार्थ है, माना गया कि जो पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो हम कण की बात कर रहे हैं, हम बोला कि जो पदार्थ के कण है, जो जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, दो विचारधाराएं थी। पहली कि जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, मतलब जैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, एक कंटिन्यूस ब्लॉक होता है लकड़ी का, उस तरीके से होते हैं। दूसरी बात ये सामने आई कि जो पदार्थ के कण है वो पदार्थ रेत की तरह के कण से मिलकर बने हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो किस कैसे हैं, जैसे रेत के कण होते हैं ना, रेत के पार्टिकल्स होते हैं, उस तरीके से मिलकर बने। तो इसी तरीके से जब एक्टिविटी हुई, ये प्रूफ हुआ, एक्सपेरिमेंट हुए, तो ये बात सामने आई, जैसे कि हमने क्या किया, हमने वाटर में सॉल्ट मिलाया और थोड़ी देर बाद हमने, जैसे आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, एक बीकर लीजिए, उसमें क्या कीजिए, एक चम्मच शक्कर या नमक मिला के देखिए, थोड़ी देर बाद वो पूरा का पूरा नमक उस वाटर में घुल जाता है। तो यहाँ से यह बात सामने आई कि जो पदार्थ हैं, कि जो पदार्थ कणों से मिलकर बने, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर मेड अप ऑफ, वो कण से मिलकर बने हैं। ठीक है ना, वो कण से मिलकर बने हैं। ठीक है ना, ये चीज हमारे सामने आई। चलिए आगे देखते हैं अगली चीज। अभी ये तो आपने समझ लिया कि जो पदार्थ के आपके जो पदार्थ के कण है वो, मतलब जो जो भी चीजें हैं, जो आपके पास मैटर है वो किससे बने, कण से मिलके बने हैं, है ना, कण से मिलके बने हैं। अगली चीज देखते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। उसको क्या करने के लिए हमने एक एक्टिविटी की, हमने 100 ml बीकर लिया और 100 ml बीकर में हमने क्या किया, 2 से 3 क्रिस्टल क्या किए, 2 से 3 क्रिस्टल हमने उसके पोटेशियम परमैंगनेट के उसमें मिलाए, 2 से 3 क्रिस्टल हमने पोटेशियम परमैंगनेट के मिलाए। जब हमने 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के मिलाए तो देखिए हमारे पास पिंक कलर का इस तरीके से सॉल्यूशन आया, यानी 100 ml वाटर में, जो 100 ml इतना लार्ज वॉल्यूम है वाटर का,
100 ml इतना लार्ज वॉल्यूम है वाटर का, उसमें सिर्फ दो या तीन क्रिस्टल मिलाने से, सिर्फ दो या तीन क्रिस्टल मिलाने से ये जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाता है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि पिंक कलर का हो जाता है, यानी हम कि दो से तीन क्रिस्टल्स में कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दो से तीन क्रिस्टल में, पोटेशियम परमैंगनेट के दो से तीन क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना। तो यहाँ से ये बात हम कंक्लूड कर पाए कि जो पदार्थ के कण है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं। और हमने क्या किया फिर, इस 100 ml में से 10 ml, देखिए 10 ml, ये 10 ml इन्होंने इससे निकाला और उसको 90 ml फ्रेश वाटर में मिलाया। ठीक है ना, फ्रेश वाटर में मिलाया। उसके बाद वापस से जो हमारे पास अभी नया ये जो 100 ml आया, उसमें से वापस से 10 ml सॉल्यूशन निकाला और उसको वापस से 90 ml फ्रेश वाटर में मिलाया। देन फिर क्या किया, हमारे पास जो अभी फ्रेश 100 ml सॉल्यूशन आया पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें से फिर हमने 10 ml निकाला और उसको 90 ml फ्रेश वाटर में मिलाया, देखिए फिर आया। तो आप देख रहे हैं धीरे 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 इसका जो कलर है वो फेड होते चले जा रहा है। तो ऐसा 5 से 8 बार इस प्रोसेस को हमने किया, लेकिन लास्ट तक हमारे पास क्या है, कलर आता गया चाहे वो फेड होता हुआ। धीरे धीरे देखिए ये जो ब्राइट से हल्का हल्का लाइट होते पे चला गया। तो आप देख रहे हैं इतना डाइल्यूशन करने के बाद भी, इतना डाइल्यूशन करने के बाद भी कलर अभी भी हमारे पास आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने छोटे छोटे हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। उस तरीके से आपने देखा कि कितने स्मॉल है ना। इस तरीके से हमने एक्टिविटी करी और हमें समझ में आया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने स्मॉल है। चलिए, तो हमने पढ़ा था कि जो जो मैटर के जो मैटर है वो किन से मिलकर बना हुआ, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और जो उनके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने स्मॉल होते हैं, ये भी हमने देखा, इसको समझा। अब क्या है कि दूसरा क्या है हमारे पास, जो सेकंड चीज है पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, अभिलक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो इसमें जो पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए हमने क्या किया, हमने एक बीकर में वाटर लिया, ये आपके क्या है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वाटर है। हमने वाटर लिया, ये आप देख पा रहे हैं फिगर में छोटे छोटे क्या है लिक्विड के, क्या है पार्टिकल्स है। हमने क्या किया इसमें, एसिड सॉल्ट ऐड किया, हमने इसमें एसिड सॉल्ट डाला। तो जो आपके पास थोड़ी देर बाद हमने जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ा, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट है, इन्होंने क्या किया, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था ऑक्यूपाई कर दिया, और वाटर वापस से जो वाटर है आपको देखिए क्लियर दिख रहा है, वाटर अपेयर क्लियर अगेन, है ना। आप जब आप जैसे कि आप देखे ना, अपने घर में ही ले लीजिए एक बीकर में, आप एक बीकर में वाटर में आप एक चम्मच नमक मिलाइए और थोड़ी देर बाद आप उसको जब आप उसको स्टिर करेंगे घुलाएंगे, तो थोड़ी देर बाद आप वैसा ही पानी आपको क्लियर दिखेगा। यानी पार्टिकल्स जो है वाटर्स के, उनके बीच में क्या था, स्पेस था, और उन स्पेस में जाके कौन बैठ गए, वो जो सॉल्ट्स के जो पार्टिकल थे वो जाके बैठ गए। तो सॉल्ट के पार्टिकल ने क्या किया, वाटर के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया और वाटर फिर से क्या हो गया, क्लियर हो गया।
तो यहाँ से हमें क्या साबित होता है, यहाँ से हमें ये साबित होता है कि जो पदार्थ के कण है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है, स्पेस है। ये पहली चीज थी जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर की, पहली क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड सेकेंड क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है ना। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, वो हमेशा मोशन में रहते हैं। देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, इस कैंडल के द्वारा हमने क्या किया, ये जो अगरबत्ती है उसको हमने लाइट किया, अगरबत्ती को लाइट किया। अपने घरों में भी आप कर सकते हैं कि अपने घर के एक कोने में आप अगरबत्ती लाइट कीजिए। अगर आप घरों में पूजा वगैरह करते हैं तो आप एक पूजा घर में क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसकी जो महक है, खुशबू है, थोड़ी देर में आपके चारों तरफ उस पूरे रूम में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो ये कब पॉसिबल है, ये क्योंकि हर चीज, मैंने क्या बोला, हर चीज मैटर है, हर चीज क्या है, पदार्थ है, और पदार्थ किससे मिलके बना हुआ, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो पार्टिकल्स यानी मूव कर रहे थे पूरे रूम में, वो मूव करते गए, कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हो। इसी वजह से तो हम अगर दूसरे उस रूम के दूसरे कोने में, हमारे पास भी क्या हुआ, हमें पे अगरबत्ती की स्मेल आई, या हम दूसरे कोने पे हैं दूसरे रूम में, वहां पे भी स्मेल आती है। या आप देखते हैं घरों में जब खाना बनता है, किचन में खाना बनता है, उसकी स्मेल चारों तरफ क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि जो पदार्थ के कण है वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस मूव करते हैं, ठीक है ना। चलिए और देख, पास और देख, समझ समझ सकते हैं। हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स मिलाए। जैसे हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलाए तो हमें क्या हुआ, ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ। पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म ब्लू कलर सॉल्यूशन। ब्लू कलर का क्या हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आया। तो इस यहाँ से भी हमें क्या बात समझ में आई कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर इन मोशन, वो क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने दो बीकर लिए, एक बीकर हमने कोल्ड वाटर लिया, एक बीकर में हमने हॉट वाटर लिया, ठीक है ना। एक में हमने कोल्ड वाटर लिया, एक में हमने हॉट वाटर लिया, और हमने उसमें क्रिस्टल डाले, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के हमने क्रिस्टल डाले। तो आप देख पा रहे हैं हमने फिगर में कि कोल्ड वाटर में जो डिजोल्व हुए हैं क्रिस्टल, वो किस तरीके से डिजोल्व हुए हैं, और हॉट वाटर में देखिए एकदम से डिजोल्व हो गए, हॉट वाटर में देखिए एकदम से डिजोल्व हुए, कोल्ड वाटर में धीरे धीरे डिजोल्व हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक तो जो जो मोशन में तो होते ही होते हैं पदार्थ के कण, निरंतर गतिशील तो होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा भी होती है। देखिए जो भी चीज मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, काइनेटिक एनर्जी आप अभी पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पॉजिटिव बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन के कारण जो भी एनर्जी किसी बॉडी में होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो तापमान बढ़ने से, यानी टेम्परेचर बढ़ने से हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो और तेजी से हो गया, और तेजी से वो क्या होने लग गए, डिजोल्व होने लग गए, क्या होने लगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है, देखिए मॉल हमने उनको एनर्जी दी, तो मॉलिक्यूल से अब और तेजी से क्या करने लग गए, वो और तेजी से मोशन करने लगे। तो उस जब वो और तेजी से मोशन किया उन्होंने, तो उतनी जल्दी वो क्या होने लगे, डिजोल्व होने लगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो कण होते हैं उनके पास क्या, गतिज ऊर्जा भी होती है, और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तो
उसी से हमारे पास एक शब्द है विसरण, विसरण यानी डिफ्यूजन, विसरण यानी आपके पास डिफ्यूजन। विसरण यानी डिफ्यूजन, ठीक है ना। डिफ्यूजन देखिए हमने क्या किया, इस तरीके से हमने एक एक्टिविटी करी, हमने कुछ वाटर लिया एक बीकर में और उसमें हमने ब्लू या रेड कलर की इंक हमने डाली, धीरे धीरे हमने डाली। तो धीरे धीरे टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर, लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर। थोड़ी देर के लिए उसको हमने छोड़ा और हम देख पाते हैं कि जो इंक है वो स्प्रेड हो गई है इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर वाटर एंड इंक। वाटर और इंक के जो पार्टिकल्स है उनके मूवमेंट के कारण पूरे में क्या हो गई, पूरे में जो इंक है वो स्प्रेड हो गई। तो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है, ये जो इंटरमिक्सिंग होती है टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर की ऑन देयर ओन खुद, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। यानी द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, है ना। अलग अलग तरीके के मैटर थे, एक इंक था एक वाटर था, इनके जो ये जब इंटरमिक्स करते हैं खुद, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने एक बीकर में इंक डाली और हमने छोड़ दिया उसको, ये खुद क्या हुए, आपस में इंटरमिक्स हुए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो मॉलिक्यूल्स है कैसे इवनली क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है जो विसरण है वो किया। तो हम इसे कहते हैं विसरण, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसी में डिफ्यूजन आप ये देख पा रहे हैं। और हम क्या कह सकते हैं डिफ्यूजन को, डिफ्यूजन को और क्या कह सकते हैं, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं उसको भी डिफ्यूजन कहते हैं। देख पा रहे हैं आप सामने फिगर में, एक तरफ आपके पास जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स है कितने इकट्ठा है, यानी यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। देखिए इस तरफ क्या है, मॉलिक्यूल्स की क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, और इस तरफ बिल्कुल भी लो कं जिस तरफ आप एरो देख रहे हैं बहुत कम कंसंट्रेशन है, एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने का जो प्रोसेस होता है इसी को क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये रैंडम मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, यानी पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट होता है, ये खुद ही होता है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से अभी आपने समझा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की किस तरीके से होती है ना। और आपने क्या क्या समझा, फिजिकल नेचर समझा मैटर का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक समझी मैटर की। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इससे आगे का हम अगली क्लास में करेंगे, आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।